महाराज श्री के चरणों में मीरा व अमरदीप परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में किसी प्रकार की विपरीत या प्रतिकूलता आने पर अपना एवं परिवार का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी, उचित मार्गदर्शन। देखिए, जीवन में जब कभी भी प्रतिकूलता आए, घबराइए नहीं। उस घड़ी में अपना आत्मविश्वास अगर बनाए रखना चाहते हैं तो चार काम कीजिए। पहले सोच को सकारात्मक बनाइए। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो प्रतिकूलता में भी आप अनुकूलता का एहसास करने में समर्थ होंगे। दूसरी बात, ये मान करके चलिए कि ये थोड़ी देर की बात है, रात टलेगी प्रभात होगा, ये अंदर भाव जगाइए। थोड़ी देर की बात, अभी रात है, रात के बाद तो सवेरा होगा ही होगा, अंधेरा है अब उजाला होगा ही होगा, ऐसी सोच रखिए। तीसरी बात, आशावादी बनिए। अभी विपत्ति आई है, विपत्ति के बाद संपत्ति आएगी, प्रतिकूलता है अनुकूलता आएगी, घबराने की बात नहीं है, समझ गए? तो सकारात्मक सोचिए, थोड़ी देर की बात समझिए, आशावादी सोच रखिए, समझ गए? और चौथी बात, मन में धैर्य बनाए रखिए। मन का धैर्य हमारे लिए बहुत बड़ा संबल देता है। प्रायः लोग ऐसी स्थितियों में अपना धैर्य खो देते हैं, इसलिए स्थितियां विषम हो जाती है। अगर धीरज धारे तो परिणाम अच्छे हों।